हाय एवरीवन, दिस इज उमा शंकर भारद्वाज फ्रॉम इंडो सफारी। और ये दुबई में एक्सपो 2020 चल रहा है, तो वो विजिट किया मैंने, तो उसका जो भी एक्सपीरियंस है, बहुत सारे पवेलियंस को विजिट किया मैंने। तो इस वीडियो में मैं रवांडा एंड किर्गिस्तान दोनों को बताने वाला हूँ, और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, और डेफिनेटली बी विद मी, यू विल एंजॉय। अब जैसे ही एक्सपो 2020 में मेट्रो स्टेशन से इंटर करते हैं, तो सबसे पहली जो जगह है ये अलवसल प्लाजा है, और बहुत काफ़ी अच्छी ऊंचाई है इसकी, 65 मीटर्स की हाइट है, और बिल्कुल ग्लोब की तरह ये बना हुआ है, और बहुत खूबसूरत है। इसमें ये बहुत सारे हाई डेंसिटी के स्पीकर्स लगे हुए हैं, और रात को बहुत ही खूबसूरत लगता है ये लाइट, बहुत मतलब लाइट के साथ में बहुत कलरफुल लगता है, और इसमें बहुत सारी साउंड आपको सुनाई देती रहती हैं बहुत सारे एनिमल्स के, तो बहुत खूबसूरत है। अब यहाँ से आगे हम बढ़ते हैं, तो ये यूएई पवेलियन है, लेकिन ये हम बाद में अगले किसी वीडियो में कवर करेंगे अंदर से, बाहर से तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और ये इस पे जो पंख जैसे आपको दिख रहे हैं, ये इसका टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए है, ये मतलब सन की पोजीशन के हिसाब से ये मूव करते हैं, तो ये काफ़ी मतलब अच्छा आर्किटेक्चर है, और देखने में भी बहुत सुंदर लग रहा है। अभी उसे पूछा तो उसने बोला कि आगे से एंट्री है इसके, लेकिन इसमें बाद में जाएंगे, अभी लेफ्ट वाला कवर करते हैं। और ये देखते हैं किधर जाना है, चलो रवांडा चलते हैं और किर्गिस्तान, ये दोनों इस साइड में है, लेट्स गो देयर। ये सबसे पहले ही रवांडा है, पहले देखते हैं दुनिया में इसकी पोजीशन क्या है, कहाँ है ये। साउथ अफ्रीका का कंट्री है, और रिपब्लिक ऑफ रवांडा बोलते हैं इसे, और ये लैंडलॉक्ड कंट्री है। लैंडलॉक्ड का मतलब होता है कि इसके आसपास कहीं भी समुद्र नहीं है, बाकी सारे कंट्रीज हैं ये। इट इज़ लोकेटेड मतलब ये कुछ साउथ में है इक्वाडोर से, और युगांडा, तंजानिया, बरूंदी और रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ये सारे जो कंट्रीज हैं इसके आसपास हैं। और ये ग्रेट रिफ्ट वैली है लेफ्ट साइड में जो दिख रहा है, ये पूरा लेक को भी बोलते हैं इसे, और काफ़ी मतलब अच्छा कंट्री है, काफ़ी बड़ा भी कंट्री है डेफिनेटली। और ये इट नोन एज लैंड ऑफ थाउजेंड हिल्स भी बोलते हैं। तो ये देखिए अभी, क्योंकि अभी ये पहला दिन है, तो अभी इनका काम ही चल रहा है, और कुछ देखते हैं भाई सब कुछ कह रहे हैं ओके। तो ये बंदा कह रहा है कि ये अभी 2 बजे के बाद खुलेगा, और उसके बाद में आप आइए, और थैंक्स फॉर विजिटिंग। चलो ठीक है, 2 बजे बाद देखते हैं, नहीं तो फिर नेक्स्ट कंट्री में चलते हैं। तो ये अगला कंट्री किर्गिस्तान है, और इसको किर्ज रिपब्लिक के नाम से जाना जाता है जनरली, और इसका सबसे बड़ा जो सिटी है वो बिस्केक है, और ये कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और चाइना के बिल्कुल बीच में आता है, ये सेंट्रल एशिया का पार्ट है, और काफ़ी खूबसूरत कंट्री है, काफ़ी वाइब्रेंट कल्चर है इसका, और लुक्स लाइक पहले कभी ये रसिया का पार्ट रहा होगा, क्योंकि कल्चर काफ़ी मिलता है रसिया के साथ में इसका, मतलब ये हमारे इंडिया के बिल्कुल ऊपर की पोजीशन पे है। आप देखेंगे थोड़ा जूम आउट करके, काफी अच्छा कंट्री है। चलो पवेलियन के अंदर चलते हैं। तो ये देखिए, ये मीट एक्सपोर्ट में काफी मतलब अच्छा है,
सबसे पहले इन्होंने वही लगाया हुआ है और पीपल आर वेरी फ्रेंडली, दे आर सेइंग हेलो। ये ड्रेस है, मतलब ये मैंने उसे पूछा तो उसने बताया कि दिस इज गर्ल्स ड्रेस। गर्ल्स, इट्स नाइस, या वेरी नाइस गर्ल। बाकी इस कंट्री में क्या क्या पैदा होता है, इनके कुछ हैंडीक्राफ्ट्स हैं और क्या क्या ये एक्सपोर्ट करते हैं, क्योंकि ये इवेंट पूरा B2B है और जनरल जो लोग हैं, ये देखिए ये घोड़े पे बैठने की जो सीट होती है वो है और उसको बांधने के लिए, तो किर्गिस्तान में डेफिनेटली मतलब ये लोग घोड़ों का बहुत इस्तेमाल करते हैं। इस टाइप से ये सामने जो दिख रहा है, इस टाइप से ये लोग घर बनाते हैं अपने, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा एरिया है, बर्फ बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो ये एक मॉडल इन्होंने बनाया हुआ है कि किस तरह से ये लोग घर बनाते हैं। और ये जो बाज होता है उसका इस्तेमाल करते हैं शिकार के लिए, जैसे ऊपर आप पिक्चर देख सकते हैं, घोड़ों पे बैठ के और बाज को हाथ पे रख के फिर ये जाते होंगे शिकार करने के लिए। और काफी कलरफुल कंट्री है और आप देख सकते हैं ये अंदर से, मतलब इस तरह से ये पूरा आर्किटेक्चर बनाते हैं अपने घर का, और क्योंकि बहुत ज्यादा स्नो रहता है वहां पे। Looks like some musical instrument. मतलब खनिज पदार्थ क्या क्या पाए जाते हैं वहाँ पे, ये आर्ट है उनका, ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ये गिटार जैसा दिख रहा है बट मस्ट बी समथिंग सम अदर नेम। ये देखिए ये मेल ड्रेस है, वो पहले जो थी वो फीमेल ड्रेस थी। Thank you very much for watching, and there's lot of videos coming soon. तो ये recording करना तो बड़ा easy होता है, लेकिन editing थोड़ा सा time लेता है, थोड़ा time भी निकालना पड़ता है। Thank you very much.